ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ पिंडी, और पिंडी इंशाल्लाह की जो प्रोजेक्ट शूट कर रहे हैं उसका आज शूटिंग डे 3 है। तो मैंने ये कहा कि थोड़ा आपको बैक एंड दिखाऊँ कि बैक एंड पर क्या हो रहा होता है। और अभी मैं बस में बैठा था, पिछली सीट थोड़ी खाली थी, तो मैं यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ। उससे पहले आज के ब्लॉग में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्यों होंगी, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट जिसका आप शूट कर रहे हैं, तो मैं थोड़े से बैक एंड पर दिखाऊँगा कि उसमें क्या सीन चल रहा है। और उसके बाद सबसे पहले ईद मुबारक, सबसे पहले तो काफ़ी देर बाद ईद मुबारक, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से अभी हम पहली बार रूबरू हो रहे हैं, तो गुजरी भी ईद मुबारक। और अभी मैं जा रहा हूँ पिम्स, और पिम्स मेरा इंतजार कर रहे हैं फातिर, क्योंकि जितनी भी मैंने वीडियोज़ बनाई, जो भी मैं अब जब भी ब्लॉग बनाते हो आप अकेले नहीं बना सकते, बड़ा बोर हो जाते हो, इसलिए मैंने कोशिश की मेरे साथ कोई हो हर वीडियो में, हर शूटिंग डे पर कोई ना कोई हो। तो आज जो बंदा हमारे साथ है वो है फातिर, तो अभी वो उधर वेट कर रहे हैं पिम्स में, और इंशाल्लाह 15 मिनट तक पिम्स पहुँच जाऊँगा, फिर आगे जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो पिम्स पीछे, तो अभी मैं आ गया हूँ, और अभी मैं और बादल, बादल वीडियो में नहीं आएगा, लेकिन बादल अभी मुझे रिसीव हो चुका है, बरामद हो चुका है। तो अभी मैं और बादल जा रहे हैं इंशाल्लाह मेट्रो के माध्यम से पिंडी। मेट्रो के माध्यम से क्यों जा रहे हैं, पिंडी रश होती है, हम जिन जिन लोकेशन पर जाएंगे, तो इसलिए हमने प्रेफर किया है कि हम मेट्रो में जाएँ, कोई बाइक साइक की टेंशन हो ही ना, ठीक है। तो अभी उधर जाते हैं, फिर उधर जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है। और लोकेशन तो मैं नहीं बताऊँगा कि जिधर जिधर हम खाने जाएंगे, लेकिन वैसे बताऊंगा क्या सीन है। तो आज जा रहे हैं हम पिंडी, और 5-6 वीडियोज आज शूट होंगी, क्योंकि इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगी जल्दी 10 तारीख को इसी चैनल पे। अभी की सिचुएशन ये है कि पिंडी आ गए कमर्शियल मार्केट, और अब कमर्शियल मार्केट से हम अपनी पहली लोकेशन की तरफ गामजन है। और अब आप सोच लो मैं कौन सी जगह पर जा रहा हूँ। कमर्शियल मार्केट में मैं ये बता दूँ कि 2-3 जगह हमने कवर करनी है, उसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह चांदनी चौक। तो ये 2 लोकेशन है हमारी पिंडी की, अब देखते हैं प्लीज़, मतलब तुम देखो, तुम सोचो मैं किधर जा रहा हूँ, नहीं भी सोचना तो मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी हम लोग तकरीबन 500 मीटर के फासले पे हैं, लेकिन ये हम लोग थोड़ी अंदरून गली से गए हैं, तो ये एक सीन है। सीन ये है कि हम लोगों ने एक और जगह टेस्ट कर ली है, और अभी एक और जगह पर जा रहे हैं, और उसके बाद अभी इधर मतलब तीसरी वीडियो हमारी बन जाएगी, और उसके बाद इंशाल्लाह हमने जाना है। किधर जाना है ये नहीं बताना था। अच्छा यार, अभी हम लोग दूसरी लोकेशन पे आ गए हैं आज की चांदनी चौक। तो अब चांदनी चौक में जो 2 लोकेशन हमने कवर करनी है वो कवर करेंगे, और आज जो हमारा शूटिंग डे है इसमें एक ख़ास बात है, आज हमारे साथ मौजूद है एक पूरे शेफ जो कि आगे जा रहे हैं। तो जो ये वाली वीडियोज़ होंगी उनमें आपको इंशाल्लाह बेहतरीन ऑथेंटिक किस्म का शेफ रिव्यू भी मिलेगा, तो ये एक थोड़ी स्पेशल बात थी। लेकिन खैर, अब हम आज की लोकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो मैं वो वाला व्लॉग शूट करने लगा हूँ। ये सारा कुछ करने के बाद तकरीबन कल मैंने 4-5 वीडियो शूट किए हैं, और उसके बाद अभी मैं रात को घर आ गया था, और अभी अभी जाके मैं उठाऊँ, सुबह सारी जाके सुबह ही उठते हैं। तो एनीवेज, कहने का मकसद ये है कि ये वीडियोस नहीं है, और मैं अपनी इन वीडियोस में और इन ब्लॉग्स में कोशिश कर रहा हूँ कि साथ जब भी जाऊँ ना मैं, तो कोई इस तरह का बंदा लेके जाऊँ जो मतलब कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड करे। अब जैसे कल बाजिल गया हमारे साथ, तो उसके रिव्यू में और मेरे रिव्यू में ये फ़र्क है, मैं एक रॉ मैन का एक रिव्यू जो एक नॉर्मल बंदा दे सकता है वो रिव्यू दे सकता था। तो अब ये था कि अब कल मैंने ना एक चीज़ सीखी भी है कि कोई बंदा जो प्रोफेशनली कोई काम करता है वो किस तरह किसी चीज़ को रिव्यू करता है। अब क्योंकि वो शेफ बन रहा है, ठीक है, तो उसको पता है कि इस चीज़ में क्या कमी है, या ये इस तरह क्यों ही है। तो ये एक चीज़ मैंने कल सीखी है। उसके बाद मैंने कुछ पिछली वीडियोज़ में मेरे साथ 2 और मेरे दोस्त गए थे, और उनको जिन जगहों में मैं लेके गया था वो पहली दफ़ा जा रहे थे। तो अब मेरा हो सकता है कि जब मैं उन जगहों पर बहुत सारा गया हूँ तो मेरा ओपिनियन थोड़ा बाइस्ड हो, या मतलब मैं और तरीके से उन चीज़ों को देखता हूँ। तो वो फिर मैंने ये कोशिश की थी कि वो लोग जाएँ जो उधर पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो उनका जो रिव्यू है वो उस हिसाब से है। तो इसलिए मैंने यही कोशिश की है इस पूरी सीरीज में, साथ कोई ना कोई जाए, और एक अच्छे से अच्छा मैं कंटेंट बनाने की कोशिश करूँ जिसमें खाने का टेस्ट भी करें, और एक ओरिजिनल रिव्यू हो, और मज़ा आए, और खाली मतलब स्टोरीज हों, और इस तरह की एक इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ।
और तकरीबन 15 वीडियोस शूट हो चुकी हैं और 15 में से 10 तकरीबन एडिट भी हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह 10 तारीख से इसी महीने में वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी और बेस्ट ऑफ लक मुझे और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब शायद उन्हीं वीडियोस में या कुछ इस तरह।